Safa Kali Lashani. Back again with new video. So now we start the branches of biology. Now I teach you the branches of biology. हमने पहले वीडियो में जो कह थी उसमें तीन ब्रांचेस जो भी थी, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसका हमने शॉर्ट टर्म में डिस्कस किया था. तो आज हम पढ़ेंगे जो अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, उसको हम डिस्क्राइब और आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका मींस टर्मिनोलॉजी एंड डिफाइन कैसे उसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी. ओके, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. वी कैन से द मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी अबाउट एक्सटर्नल. सबसे पहले जब आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर पढ़ना है, स्टडी करनी है, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ लर्निंग करनी है, तो सबसे पहले उस टॉपिक को देखें कि उस टॉपिक की मीनिंग क्या है. तो इसकी मीनिंग है मॉर्फ मीन्स फॉर्म. मॉर्फ मीन्स फॉर्म. ये याद रख लें, कहाँ पे जब यहाँ कहाँ पे भी जो लॉजी है ना, LOGY, कहाँ पे भी लिखा हो लॉजी, तो आप लोगों को समझनी चाहिए कि लॉजी मीन्स स्टडी डिस्कस. ये आपको याद रखनी है कि लॉजी जहाँ कहाँ जो भी वर्ड है उसके पीछे जो लॉजी लगा हुआ है ना, उसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, तो मीन्स डेट मीन्स स्टडी और डिस्कस. ओके, मॉर्फोलॉजी मीन्स टू फॉर्म. तो ये स्टडी हुई, स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आल्सो करेक्टर. तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, ओके, और फंक्शन एंड करेक्टर. मॉर्फ मींस एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर है, लाइक अ मी, जैसे कि मेरा स्ट्रक्चर, लाइक इन अदर प्लांट्स उसका स्ट्रक्चर, लाइक इन एनिमल, जो आप किसी का भी मिसाल ले लें, स्नेल होता है, रेड कैमल, जो भी मींस एग्जांपल है, तो उसका फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है. तो ये एक मॉर्फोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, करेक्टर्स एंड फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल लिविंग सिस्टम, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो सकता है. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी. दिस इज द न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एनाटॉमी. सो एनाटॉमी, एनो मींस ये जो भी सारे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, जो ब्रांच मींस बायोलॉजी की जो भी ब्रांचेस हैं, वो याद रख लें कि सारी की सारी जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई हैं, मींस उनसे अखज की गई हैं, ठीक है. तो उनसे ये भी मॉर्फोलॉजी, ये जो मॉर्फोलॉजी है वो भी एक ग्रीक वर्ड से मॉर्फ से लिया गया है, ठीक है, उसका मीनिंग जिस उसकी है फॉर्म. और एनो मींस एनाटॉमी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. Ena means up and to means उसकी मीनिंग है to cut. Simply we say anatomy, actually मकसद ये होता है कि anatomy पढ़ाई क्यों जाती है, जो internal ही function होता है body का, internal जिसमें हम पढ़ते हैं, जो organs हो सकते हैं इसमें internal, study of इंटरनल ऑर्गनल सही है. सो इंटरनल ऑर्गनल्स मींस के ऑर्गनल्स होते हैं, मींस बॉडी मींस एनिमल्स के जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी हम स्टडी करेंगे. जब हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट की जो टिश्यूज होते हैं मींस रूट में, लीव्स में, ठीक है, और स्टीम में जो टिश्यूज होते हैं ना, तो उनकी अरेंजमेंट को, उनके फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो भी एक एनाटॉमी की मींस पॉइंट है कि जब हम प्लांट में पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं, टिश्यूज हैं, मींस में रूट में, स्टीम में और लीव में पाए जाते हैं,
ठीक है। सो उनकी स्टडी करने भी जब हम करेंगे तो वो एनाटॉमी में करेंगे। नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी, ये तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी की, हिस्टोलॉजी। ओके, एक्चुअली ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्टो, इसके मीनिंग जो है वो मींस टिश्यू। ओके, तो आप समझ गए कि लॉजी की मींस स्टडी है, मींस के टिश्यू के बारे में हम पढ़ें, वो चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो। जाहिर बात है वो टिश्यूज एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। मींस के जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, बस ये याद रखें कि आपको याद ये रखना है कि आप जब टिश्यूज पढ़ते हैं, चाहे वो एनिमल के हो चाहे वो प्लांट के हो, मींस स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, सिंपल ही है। उसके बाद इज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है साइटो, तो ग्रीक मींस काइटो से लिया गया है, काइटोस वर्ड से साइटोलॉजी साइटो लिया गया है, ठीक है। तो काइटोस की मींस है, मीनिंग है वो हालो, वेसल्स। ओके, तो साइटोलॉजी को हम वी कैन से इन अदर वर्ड्स सेल बायो, सेल बायोलॉजी। तो कभी कभी ये कन्फ्यूज होती है कि साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी क्यों कहते हैं, या कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल बायोलॉजी क्या है, या फिर सेल बायोलॉजी को डिफाइन करें। तो मसला ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो होते हैं उसको ये पढ़ाया जाता है कि साइटोलॉजी बेटा साइटोलॉजी क्या है, तो उसको मीन्स कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता कि सेल बायोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट फंक्शन एंड कंपोजिशन हम साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फंक्शन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके बेटा, तो हम साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं या सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन सबसे पहले ये इसकी जो तीन पॉइंट्स हैं या तीन टर्म यूज कर लें, याद कर लें। एक होता है कंपोजिशन याद कर लें, दूसरा फंक्शन याद कर लें, तीसरा स्ट्रक्चर। मींस के तीन जो भी तीन चीज़ें हैं साइटोलॉजी में हम जब पढ़ेंगे तो सेल में ये जो फंक्शन हो रहा है वो भी साइटोलॉजी कहलाएगा, कंपोजिशन है वो भी साइटोलॉजी, और जो स्ट्रक्चर है सेल का वो भी साइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजी। इंटरेस्ट वाली ये बात है कि फिजियोलॉजी हमारे नाइन्थ बुक में पढ़ाया जाता है, मगर तकरीबन कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि फिजियोलॉजी क्या है। असल में ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, फिजियोस मीन्स नेचर, क्या मीनिंग है इसकी, नेचर। तो स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स के ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये भी एक सिंपल है कि फिजियोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजियोस मींस है नेचर। ओके, स्टडी अबाउट डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ओके तो इको का मतलब है होम, इको का क्या मतलब है, होम। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आप जब देखेंगे तो इकोलॉजी का खुद जो है वो होम है। तो स्टडी अबाउट लिविंग सिस्टम, रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड ईच अदर ऑफ लिविंग सिस्टम, सो डेट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सो इसको हम दूसरा भी कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी।
ये याद रहे कि मींस इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी हम स्टडी करते हैं जब भी मींस स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग जायगोट आफ्टर जायगोट। तो जायगोट के जब मेटिंग होती है मींस मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, तो जायगोट बनता है। जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। सो वो सारा जो फंक्शन डेवलपमेंट जो होता है मींस के जायगोट के बाद जो फंक्शन या डेवलपमेंट चेंजेस होती हैं, जब चेंजेस होती हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। ओके, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्सोनॉमी में जो भी अरेंजमेंट होती है, क्लासिफिकेशन होती है, नेमिंग होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में। या आप सिंपल मींस आप याद रख लें कि टैक्सोनॉमी में हम नेमिंग साइंटिफिक लॉस एंड साइंटिफिक नेमिंग हम इसमें टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स। असल में जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस जो भी होते हैं, मींस हेरिडिटी मटेरियल जो होता है हमारे पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक वो आता है, उनके लिंक जो है वो हम जब जेनेटिक्स जीन्स पढ़ेंगे तो वो जेनेटिक्स में आ सकता है, वो आ जाएगा। मींस स्टडी ऑफ जीन्स आर हेरिडिटी मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मजे वाली बात ये है कि पेरेंट्स जो एक दूसरी ब्रांच भी है उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। सो पैलेंटोलॉजी एक्चुअली दरअसल पैलेंटोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जब एनिमल और प्लांट जो है मींस के पास्ट टाइम में वो साथ में रहते थे, ठीक है। अब जो उसकी वो एनिमल अभी जो मींस उनका जो लाइक वजूद कहें हम डायनासोर जैसे के, सो वजूद यहाँ पे नहीं है अब उसका, जो अब हम पढ़ेंगे फॉसिल्स, तो उनके हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे वो पैलेंटोलॉजी में। सो पैलेंटोलॉजी में दरअसल दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक पैलोबॉटनी एंड दूसरा पैलोजूलॉजी। सो जूलॉजी में क्या, पैलोजूलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एंड पैलोबॉटनी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो पैलेंटोलॉजी दो एक डिवाइड किया गया है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक जो ब्रांचेस थी सिंपल हमने बता दी। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है मींस उसका हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे।